हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे एक एप्लीकेशन और ये है वो एप्लीकेशन जो आज हम बनाने वाले हैं। इसके अंदर ये एक नेट बार है और ये साइड बार है जो और ये एकदम बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जिसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस को यूज करके। सो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप देखते हैं, तो फिर शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले आपको टर्मिनल पे जाना है और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। npx create react app, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब तक हम Tailwind CSS पे जाते हैं। और यहाँ से इंस्टॉलेशन उस पर जाकर हम यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट पे जाकर हम इस जो भी प्रोसीजर होता है इसका इंस्टॉल करने का रिएक्ट ऐप के अंदर, तो उसको हम फॉलो करेंगे जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गलती हो गई। तो हम जो है मैं रिएक्ट ऐप के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर का नाम नहीं दे रहा था। मैंने यहाँ पे कोशिश करी थी पर ये नहीं ले रहा था। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो गया है, तो हम इसके अंदर लूप करते हैं कि ऐप और अपने कोड एडिटर खोल लेते हैं इसके। हम जाएंगे टेलविंड सीएसएस में, यहाँ पे जाके ये स्टेप्स दे रखे हैं इन्हें फॉलो करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। टर्मिनल पे जाएंगे और उसके बाद हमें क्रैक को इंस्टॉल करना है। और ये स्क्रिप्ट को बदल देना है, ये
package.js. यहाँ से जो स्क्रिप्ट है इजेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चेंज करनी है। यहाँ पर क्रैक हो जाएगा, उसके बाद हमें क्रैको डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस नाम से एक फाइल बनानी है रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे ये कॉपी कर देंगे, उसके बाद हमें ये टर्मिनल पे इससे एक टेलविंड की सीएसएस फाइल जनरेट होगी। यहाँ पे आ गई टेलविंड की सीएसएस फाइल कॉन्फिग फाइल, और इस कॉन्फिग फाइल के अंदर जाके हमें ये सब कॉपी करना है। यहाँ पे पहले से है हमें यहाँ पे जाके पर्ज के अंदर चेंज करने और जो हमारे को चेंज सकते हैं और इस सबको इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर कॉपी कर देंगे। यहाँ से हटा देंगे और हमारा जो टेलविंड है वो हमारी रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल हो गया। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टेलविंड है वो इंस्टॉल हो गया है। रन कर लेते हैं उसको। यहाँ पे हम एक H1 दे देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पहले, और इसमें क्लास लेते हैं उसको टेक्स्ट। अगर हो गया होगा तो मैं दिखा देगा। हमने इसको अभी स्टार्ट नहीं करा प्रोजेक्ट को, कर लेते हैं स्टार्ट टाइम पर। ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर एक एरर आ रहा है, पर हमारा जो टेलविंड है वो इंस्टॉल हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा होकर दिख रहा है। तो अब हम बनाते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा प्रोजेक्ट बनाना क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास एक नया फाइल है या फिर हम कहें हेडर है, जिसके अंदर एक साइड बार है
ये हमारे एक टेम्पलेट्स हैं या फिर कार्ड है जिसके अंदर हमारे गेम्स दिख रही हैं। तो पहले हम बनाएंगे इस साइड बार को, साइड बार के कंपोनेंट को। तो हम स्टार्ट करते हैं। जाते हैं सारसी में, हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट में हम एक फाइल बनाते हैं हेडर डॉट सी एस एस सॉरी हेडर डॉट जी एस, और इसका नाम जो है चेंज करके एच बड़ा कर लीजिए। अब हम बनाते हैं, हम लिखते हैं आर एफ सी, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा काम होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है लिखना होगा क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स वन, और हमारा फ्लेक्स कॉलम आएगा आइटम्स बैकग्राउंड हो गया हमारा पहला डिव। तो हमने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज ले ली, उसके बाद हम बनाना है ये एक पूरा पहला डिव, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो ये डिव है एक पूरा का पूरा ये डिव, जिसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर आएगा पहला डिव ये वाला, उसके अंदर एक फोटो आएगी और ये जो पिक है इमेजेस, और ये आएगा हमारा टेक्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे div क्लास फ्लेक्स जस्ट के बाद हमें इसके अंदर एक इमेज देनी है, और इमेज के साथ हमारे पीछे जो है एक पैडिंग दिख रही है जो वाइट कलर की पैडिंग है। तो उसको लाने के लिए हमें एक और डिव लेना पड़ेगा जो इमेज के अंदर होगा, मतलब जो इमेज से पहले एक एलिमेंट होगा जिसके अंदर इमेज होगी। तो उसके लिए क्या करना, डिव डॉट पी वन बैकग्राउंड कलर ग्रे 100 एंड अराउंड
यहाँ आएगा बैकग्राउंड कलर अब इसके अंदर हम लेंगे इमेज। अब मैंने यहाँ पे इमेजेस ले लिए हैं, मेरा इमेज का फोल्डर है और यहाँ पे हमारे को पहले इमेज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फोर्ट वन फ्रॉम यहाँ पे हमें नाम देना है, क्लास तो देना है हम देखेंगे तो हमने इसको कहीं कॉलिंग करा तो हम इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट का नाम साइड बार देना था, मैंने इसे गलती से हेडर दे दिया तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे इमेज हो गई और ये पूरा बैकग्राउंड हो गया। अब हम करेंगे हमें यहाँ पे टेक्स्ट ला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्टिक के अंदर हम क्या क्लास चाहिए कॉल
इसके अंदर हम देंगे टॉपी, तो पहले वाले टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा हमारा मार्क कर लेंगे। उसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट एक्सेस हमारे पास क्या है अब हमें बनाना है इसका ये वाला पार्ट। इसको हम क्या बनाएंगे तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पार्ट। इसके अंदर हमारा ये था एक और डिव आएगा उसके अंदर फ्लेक्स और एम्प्टी फाइव दो ये एलिमेंट्स लेंगे इसके नाम लिखेंगे हाउस टेक्स्ट 3xl right.
यहाँ पे एक आइकन दो, तो आप जो है टेलविंड सीएसएस पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए आपके आपको जो भी आइकन चाहिए सर्च करें, हम भी चाहिए प्ले आइकन, तो यहाँ पे तो है एक है मुझको चाहिए वाला कॉपी करता हूँ उसको टेक्स्ट एडिट कर लिया था तो आप यहाँ पे जाके ये क्या है, तो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर सर्च करेंगे आइकन्स, तो यहाँ पर आपको एक हीरो आइकन्स करके आएगा, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ से प्ले लिखिए, यहाँ से कॉपी चेंज कर लीजिए, अब यहाँ पर आपको इसको ठीक है, इसके बाद हमें जो है एक क्लास चाहिए उसको, क्लास के अंदर हमें जो है कर दिया हमने टेक्स्ट वाइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर
भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जो है सेम टू सेम। तो उसके लिए हम सेम टू सेम सेम कॉपी करेंगे। Game speed अब हमें बनाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स के लिए हमें नहीं लेना के अंदर
white. Same as in here. So, I'm gonna gray. The online or here. So, subsequent number of the online is skin driver flex skip out with the SVG. ये हमें कॉपी कर देना है उसके बाद हमें यहाँ पे एक भी एलिमेंट लेंगे हम लिखेंगे ऑनलाइन यहाँ पर टेक्स्ट हमारे ऑनलाइन आ गया अब हमें बनाना है पूरा स्क्रोलेबल तो इसके लिए हम लेंगे एक टेप टेप लेंगे जिसमें ओवरफ्लो overflow y तो हमें ये देखो इससे हमारा एक स्क्रोलेबल एक हो जाएगा अब हमें इसके अंदर बनाने हैं एलिमेंट्स इसके अंदर है एक ये अवतार और इसका नाम है इसका लेवल तो इसको बनाने के लिए हमें क्या लेना है एक ऑब्जेक्ट इसको फ्लेक्स डॉट जस्टिफाई स्टार्ट टेम्स सेंटर मार्जिन लेफ्ट सेवन और इसके बाद जो
जो है हमें एक टी लेना है जिसके अंदर हम इमेज देंगे, तो ठीक होगा उसकी आईडी होगी वन, अकाउंट कलर होगा ब्लू, सेल्फ स्टार्ट और राउंड एक्सेप्ट, इसके लिए हम देंगे एच पहले हमें इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आ गया है, हम इसे छोटा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास देंगे उसकी जो हाइट है उसको दे देंगे 10 छोटा हो। अब हमें इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में ये क्यों है, यहाँ हम टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल फॉन्ट बोल टेक्स्ट राइट सेल्फ स्टार्ट मार्जिन लेफ्ट start self start text
रहा है, शायद की कमी है इसका। डिव की जो है प्रॉब्लम हो रही है, चल रहा है। अच्छा ये डिव जो है हमने तो ये आ गया हमारा स्टोर बार के साथ आ गया। तो ये जो डिफ था मैंने इसको नीचे लिख दिया था, इसकी वजह से वो जो ऑनलाइन था और ये जो स्क्रोल बार का जो आइकन है वो एक साथ आ रहा था, तो मैंने उसको वापस यहीं पर लिख दिया, तो इसलिए से ये ऐसा आ रहा है। तो हमारे पास एक जो है एलिमेंट बन चुका है, अब हमारे को ये वापस कॉपी करना है, तो हम इसको लेंगे हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे चल हम मुझे इस पर बैकग्राउंड इमेज भी लेनी है, जो बैकग्राउंड पैडिंग होती है वो हमने ठीक तो है बट ये दिखा मेरा यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे नाम बना दिया तो और यहाँ पे हम तो ये हो गया हमारा, और ऐसे चार बना लेते हैं।
इमेज शो हो गई है। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, और ये हमारा अच्छा था। तो यहाँ पे इमेज का साइज देना होगा 10 और विड्थ 72। पहले जो था वो जो है पैडिंग थी वो जो है कैसे सारी। तो ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं, जिससे स्क्रू लेवल है ये रिपीट है। तो इसको हम एक और कंपोनेंट भी बना लेते हैं, बट मेरे पास कोई एपीआई नहीं थी जिसमें से ये डेटा आ रहा हो, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही बना दिया। बाकी अगर आप जो है इसको एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे और यहाँ से एज अ डेटा पास करेंगे किसी एपीआई से, या फिर आप डायनेमिकली मतलब यहीं पे कॉल करके आप पास करेंगे, तो भी ये रेंडर हो जाएगा। बाकी मैंने ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, मैंने इसको ऐसे ही चलाए, मतलब कि एक जगह पर मैंने उसको एक कंपोनेंट बना लिया है, और फिर एक जगह से मैं उसके लिए डेट आई वैल्यू पास कर रहा हूँ और उसको रेंडर कर रहा हूँ। ये ऐसे भी किया जा सकता है, पर मैंने सोचा ये छोटा है तो मतलब इसकी इम्पैक्ट काफ़ी कम है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे एक और बिना अब हमें बनाना है इसका जो नीचे वाला पार्ट है, तो उसको बनाने के लिए हम लेंगे पहले तो एक ऊपर वाली पैडिंग, मतलब कि ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर रेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे ये जो चीज़ है ये एक पैडिंग है, जो मतलब एक डिव है, इसके अंदर ये डिव है, ठीक है। पहले हमें एक पेरेंट डिव लेना होगा इसके लिए, और
उसके लिए हमने फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर हाइट इसके अंदर हमें एक दूसरा डॉक्टर बनाया फ्लेक्स फाइव हंड्रेड और उसके बाद हमारा कर्व जस्टिफाई सेंटर उसके बाद हमें एक पी लेना है जिसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल फॉन्ट लाइट टेक्स्ट वाइट और इसके अंदर हम देखेंगे और आएगा एक और लेंगे उसके अंदर होगा टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट वाइट उसके अंदर कोई नाम दिया और तो ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर हम उसको आइकन्स दे तो अब हमें एक और ट्वीट है जिसमें होगा फ्लेक्स आइटम्स सेक्टर जस्टिफाई से यहाँ से एक एसवी भी लेंगे
कलर इमरजेंसी पहले दूसरा ले लेते हैं। इसका नाम नहीं पता क्या था, स्क्रॉल करके देख लीजिए। तो इसका नाम है मार्क, तो हम इसको उठा लिया। इसका क्लास के अंदर तो हमारा जो साइड बार का जो कंपोनेंट है वो पूरा हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका हेडर, हेडर कंपोनेंट। तो हम आते हैं हेडर, तो हेडर में हम जो है बनाएंगे इसको, तो क्लास उसके बाद आएगा एक और फ्लिक्स, फ्लिक्स कॉल dot text for excel font bold text right self start आएगा इसके लिए हम लिखेंगे पी डॉट टेक्स्ट मीडियम फॉन्ट नॉर्मल और टेक्स्ट राइट सेल्फ
यहाँ आएगा गेम्स फॉर तो अब हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हेडर। फिर हम जाएंगे डिजाइन, तो अभी ये दिखाई दे कि ये इस तरफ है, यहाँ पर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ तो क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाइट दिया है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट ब्लैक दे देता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगा कि ये रेंडर हो रहा है, तो हम इसको दे देते हैं वाइट। एक तो हमें बनाना है ये जो लाइन दे रखी है, तो ये कैसे बना, हम क्या करेंगे एलिमेंट लेंगे इसके अंदर देखेंगे क्लास बॉर्डर border opacity उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए ये दो आइकन्स, और इन दो आइकन्स को हम रखेंगे एक टिप के अंदर, चलो उस टिप को बनाते हैं टिप डॉट फ्लेक्स। तो डिप डॉट फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर और फाइव। हमें यहाँ पे दो आइकन्स हैं, एक तो है सर्च आइकन ये वाला,
और उसके बाद हमें चाहिए एक मैसेज आइकन। सेव कर देंगे, हम देखते हैं यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब एक कर क्या करते हैं, तो ये ऐसे आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं। टेक्स्ट राइट अभी वैसे ही दिख रहे हैं। तो तो ये हमारा हेडर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट के यहाँ लिखते हैं गेम्स। तो यहाँ चल रहा है अब हम बनाएंगे गेम कंपोनेंट। तो गेम्स कंपोनेंट बनाने के लिए हमको यहाँ पे यहाँ क्लास नेम इक्वल्स टू फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम एम्प्टी ट्रू सॉरी उसके बाद ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन
Bad. Div dot flex shrink rounded Excel W64 and items center. Justify. इस टिप के अंदर हमारी एक आएगी इमेज अब इमेज आएगी क्लास नेम एच 40 यहाँ पे मैं इमेज अभी ऐसे ही दे देता हूँ import bulk images bulk यहाँ पे हल्क शो गया और यहाँ पे मुझे पैलेट कलर दूंगा पीच ग्रीन तो ये शो हो गया आगे स्केल होगा अब हमें यहाँ पे इसका टेक्स्ट देना है नीचे वाला तो यहाँ पे लिखा है बाय मार्वल स्टूडियो तो हमें यहाँ पे लिखना है div dot flex column dot justify center justify start
align center code इसके अंदर हमें दो भी दे रहे हैं तो पहले में आएगा टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट व्हाइट सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे मैं टैग्स होता हूँ अलग अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी ये टेक्स्ट वाइट है इसलिए p dot text xs font normal dot text white dot self start by normal तो हमारा जो गेम का जो वो है पार्ट बन गया अब हमें क्या करना है अब हमें जो ये बैकग्राउंड में जो ये इमेज आ रही है और जो बैकग्राउंड के अंदर भी आ रहा है उसको बनाना है और ये साइड बार का जो ये हैमबर्गर आइकन है ये फिर मेन्यू आइकन है इसको बनाना लगाना है यहाँ पे ताकि ये इससे कंट्रोल कर सके ये खोलना कैसे है बंद कैसे करना है बाकी हमारा जो काम है ऑलमोस्ट हो चुका है तो अब हम चाहते हैं इस पर अब इसके दो तरीके हैं या तो हम जो है इसको एक पेरेंट एलिमेंट दे दें जिसके अंदर हम ये बनाएं या फिर हम इसी के अंदर जो है क्लासेस लगा के इसको अचीव कर लें तो मैं इसी के अंदर लगा रहा हूँ अगर आप चाहो तो इस पूरे को एक दूसरे कंपोनेंट बना के उसके अंदर डाल के बना सकते हो तो बड़ा सिंपल है ये बनाना हमें एक तो ये स्क्रोल बार बनाना है जिससे ये स्क्रोल करे और एक ये बनाना है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकें और बस यही बनाना है तो बनाते हैं तो जो मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पर चेंज हो गया है यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने एक ओवरले लगाया है जो आपको ब्लैक सी स्क्रीन आपके जो ऊपर से दिख रहा है ओवरले इसको ओवरले कहते हैं इसकी मैंने ओपेसिटी दी है 90 और वो कलर दिया है ब्लैक आप देख सकते हैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने एक टिप लिया है नीचे इन सब के नीचे और उसको क्लास दी है बी जी ब्लैक और मैंने उसको हाइट दी है फुल विड्थ दी है फुल एब्सोल्यूट दिया है उसका पोजिशन और ओपेसिटी दी है 90 और मैंने एक इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाके मैंने इसको बैकग्राउंड इमेज दिया है
और बैकग्राउंड साइज कवर दिया है और पोजीशन दिया है टॉप ऑफ कवर, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। मैंने इसको फ्लेक्स और फ्लेक्स वन, फ्लेक्स कॉल और हाइट फुल, और इसको मैंने इस वाले डिव को रिलेटिव पाथ दिया, मतलब कि जितना बड़ा ये वाला डिव होगा उतना ही बड़ा ये वाला डिव होगा, ये इसके ये वाला डिव इसके रिलेटिव है, ये वाला डिव इसके रिलेटिव है और ये इसके एब्सोल्यूट है, मतलब जितना ये बड़ा होगा उतना ये जो बैकग्राउंड की जो ओवरले है उतना होगा। अगर मैं यहाँ से ये वो एब्सोल्यूट हटा दूँ तो ये देखिए हट गया, क्योंकि ये ऊपर चला गया है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ यहाँ पे, तो इतना हमने कर लिया, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे दिया और एक ओवरले दे दिया है। अब हमें क्या करना है देख रहे हैं, आप तो ये जो हमारा हेडर है और ये जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इस जो ये इस जो ब्लैक कलर के जो ओवरले है इसके पीछे आ रहे हैं, तो हम इसको ऊपर कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है हेडर में। यहाँ पे हमें एक क्लास देनी है Z10, तो ये ऊपर आ गया। वैसे ही हमें जाना है गेम के अंदर, यहाँ पर हम देनी है क्लास Z10, ये भी ऊपर आ गया। अब हम जाएंगे इसके अंदर और इसके अंदर इस चीज़ को कॉल करते हैं, बट हमने इसको डायनेमिक बनाया नहीं है तो हमें इसको पहले डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉप्स ले लेंगे जो जो हमारे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इमेज एक चाहिए, हमें नेम एक चाहिए, हमें इन्फो। तो यहाँ पे हमें कहना है इमेज, यहाँ हम देंगे नेम, क्या हम दे देंगे इन्फो। अब हमें इन्हें पास कर, ये एंटी हो गया देखिए। तो अब हम इसको app.js से पास करेंगे, पास करने के लिए पहले हमें उठाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड बार पे जाता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे सपोर्ट किए सबको लेता हूँ और यहाँ पे इसको अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं क्योंकि ये app.js है और इमेजेस भी इसी फोल्डर में, मैं क्या करता हूँ मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से वहाँ पे दे देता हूँ इमेज, मैंने दे दिया हल्क, यहाँ पे यार मुझे देना है नेम हल्क, यहाँ पे आ गया। इन्फो देनी है बाय मार्वल स्टूडियो, तो नीचे अभी हमारा एक पूरा कंपोनेंट हो गया है, बट ये ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकता, मतलब मुझे चाहिए कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे तभी थोड़ा दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बना देता हूँ इसे,
किया, पेस्ट कर दिया, तो नीचे आ गया। बट मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल आए और मैं इसको स्क्रॉल कर सकूं। तो मुझे एक डिव लेना होगा जिसके अंदर मैं ये स्क्रॉल बार लगा सकूं। तो मुझको यहाँ पे एक डिव लेना होगा और ये जो क्लास है मैं इसको लेता हूँ, मुझे देना है यहाँ पे क्लास पेंट ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल और फिर फ्लेक्स। तो आप देखेंगे ये एक साथ आ गया। अब मैं इसके अंदर एक और कॉपी करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये अब स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब मैं इनके थोड़े चेंज कर देता हूँ, जैसे अब यहाँ पे जो है मुझे बैकग्राउंड कलर देना है जो इससे मिलता जुलता हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेम में जाऊँगा, यहाँ से एक कलर की प्रॉपर्टी लूँगा जो कलर मुझे सेट करना है। मैं इसको एक टैक्टिक्स में ले लूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसका कलर। तो अब क्या होगा, जो मैं वहां से प्रॉपर्टी भेजूंगा वो यहाँ आके दिखा देगा। जैसे अब मुझे यहाँ पे कलर को हटाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से मैं गलत जगह आ गया। मुझे यहाँ पे नहीं देना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम टू सेम वही करेंगे। एक डॉलर लेंगे यहाँ पे अपना कलर से और एक बीची ग्रीन 500 को हटा देंगे, तो यहाँ पे सब ब्लैंक हो जाए। अब हम जाएंगे अपने कंपोनेंट में, तो यह ऐप जैसे यहाँ से हम पास करेंगे कलर जिस कलर का हमें चाहिए। तो मुझको चाहिए बीजी ग्रे 400।
वैसे ही मैंने यहाँ पे सबके लिए होता हूँ कलर बीजी पर्पल 600 कलर बीजी ग्रे तो जो हमारा कंपोनेंट है वो बन चुका है। अब हम बस इसको पॉपुलेट करना है। और एक और चीज़ है वो भी यहाँ पे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसका पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये एक लाइन से आ रही है जो स्क्रॉल बार की लाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल बार की जो लाइन है वो ना आए। तो अब मैं वो कैसे करूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझको ये जो प्रॉपर्टी है इसको देना होगा। मैं जाऊंगा index.css और वहां जाके मैं एक क्लास बनाऊंगा बैक ओवरफ्लो और वहाँ पे apply में मैं ये क्लास और इसकी जगह मैं ओवर लो एक्स जैसे मैं दूंगा इसे, तो सेम टू सेम काम कर रहा हूँ। बट मैं जाऊँगा यहाँ पे अब तो सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। इसके बाद मुझे जो है यहाँ पे एक जो है वेब किट स्क्रॉल बार डिस्प्ले नब, तो अगर मैं इसे लगाऊंगा तो थोड़ा टाइम लेता है इसको रिफ्लेक्ट करने में क्योंकि कंपाइल होता है पूरा, तो ये जो फाइल है ये जो चीज़ है ये हट जाएगी। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसमें भी देखिए ये हट गया है। अब जो है यहाँ पे सिर्फ इसी के दिखा गया है, तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैं पढ़ चाहूँगा हम क्या करेंगे, जाएंगे हेडर में, हेडर में जो ग्रीन कलर हटाएंगे तो अभी हमारा बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा इसमें दिख रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हेडर आइकन या फिर एक मेन्यू आइकन। मैं जाता हूँ मेन्यू में,
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया बट ये इधर आ गया तो मुझको ये चाहिए पेरेंट टीम का उसके अंदर लगेगा तो अब हमें ये मिल गया। अब हमें इसको सबसे पहले तो क्लास चाहिए जिससे जो है हमारा ये कंटेंट दिखे सेट। उसके बाद टेक्स्ट इसके बाद अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा गया। सेम टू सेम है और तो हमें क्या करना है इसको देना है कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये जो साइड बार है वो रेंडर हो मतलब यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे ऐप जीएस वहाँ पे हम पहले तो रेंडर करेंगे यहाँ पे हम ले लेंगे यू स्टेट यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देंगे स्टेट यहाँ दे देंगे इस ओपन और इसको दे देंगे फॉल्स। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन के अंदर कॉन्स्ट टॉगल
और यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो स्टेट इज ओपन इक्वल्स टू फुल्स अब हमें ये हेडर के अंदर भेजना है हेडर के अंदर भेजना है और साइड बार तो हम लेते हैं यहाँ हेडर के अंदर हमें भेजना है टॉगल और इज ओपन तो हम भेजेंगे इज ओपन इक्वल्स टू इज ओपन और चेंज टॉगल चेंज भेजेंगे टॉगल और साइड बार के अंदर भी हम मिलेंगे इज ओपन इज ओपन अब हम जाएंगे हेडर में हेडर में हमें ये मिला होगा हम इसको लेंगे इज ओपन और टॉगल तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑन इस पे टॉगल करेंगे साइड बार पे यहां से हम इस ओपन और टॉगल तो मैंने गलती की थी पहले मुझे हेडर के अंदर नहीं साइड बार के अंदर तो मुझे मैं क्या करूँगा इससे इज ओपन ले लिया तो मैं क्या चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये शो हो जाए तो इसके लिए क्या करना है ये हिडन है ना तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ सब यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जाता हूँ यहाँ पे इसको ले लेता हूँ तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे इस ओपन इस ओपन क्वेश्चन मार्क मतलब कि अगर ये ओपन होगा तो देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये खुल गया पर मुझे यहाँ से क्लोज करने के लिए भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक आइकन डालूँगा यहाँ चलते हैं क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस ये वाला आइकन उठाएंगे और यहाँ पर हमें दिख रहा है हम क्या करेंगे। सबसे पहले टेस्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसकी जो है टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं वाइट और इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं टॉप से। मुझे इसको साइड में करता हूँ सेल्फ और एम आर टू ऐसे आ गया उसमें तो अभी हो गया ऐसा। तब मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑन क्लिक पे इसको फिर से टॉगल कर सकता हूँ। ऑन क्लिक टॉगल मैं उसे क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। और हमारा ये वाला स्क्रॉल बार भी है इसको हम हटाना है। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे जाएंगे नीचे जहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार है और इसकी जितनी भी क्लासेस है हम उसको कॉपी कर लेंगे इंडेक्स सीएसएस में जाएंगे और यहाँ से उसको चेंज कर देते हैं। यही वेब किट लगा देते हैं। और साइड बार पे जाके इसकी जगह ले देते हैं ओवर फ्लो बाय। तो थोड़ा फिर टाइम लेगा कर लिया था और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर मैं देखूँ इसके अंदर एक चीज़ अभी भी करनी है तो मैं वो बता देता हूँ आपको। तो हम जाते हैं गेम और हम क्या करेंगे
कि इसको थोड़ा सा छोटा बना देंगे, मतलब जो इसकी विड्थ है हम इसको छोटा कर देंगे। अब वो हम करेंगे कैसे, तो हमें कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे एक और पैरामीटर बिग। तो अगर ये जो है बिग है, तो मुझे रेंडर करना है इसको, नहीं तो मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और सेव टू सेव्स। कोई एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे मैंने गलती से उसके आगे लगा दिया था, बट अभी भी सही नहीं हुआ है। ओके, तो मुझे यहाँ पर नहीं देना था, तो अब ये चल जाएगा। चल गया, मुझे यहाँ पे चेंज करना है कुछ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे W64 दिखे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये छोटे हो गए आइकन्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से इसको भेजूँगा यहाँ से, कैसे मैं आ जाऊँगा big equals true, ऐसे मैंने भेजा बड़ा हुआ। तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये दिया अरे बड़े।
तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ इसको जो है पॉपुलेट करना है। तो और यहाँ पर ये नाम लिखेंगे RPG Yavarpics। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो Yavarpics था वो मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैंने एक p एलिमेंट लिया जिसको मैंने वाइट कलर का टेक्स्ट दिया और 3XL मैंने साइज दिया और बोल्ड कर दिया फ्रंट बोल्ड और फ्लेक्स दिया और लेफ्ट में मार्जिन दी और ऊपर नीचे मार्जिन दी और जेड इंडेक्स 10 दे दिया और मैंने इसको पॉपुलेट कर दिया है। जो पुराना वाला कंटेंट था मैंने उससे उसका बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसमें ये जो आइकन्स हैं ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो यहाँ पर पैडिंग दे रखी है मैंने इसलिए थोड़े आगे आ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सेम है। तो और मैंने इसके अंदर एक चेंज और किया, जो ये 5 था, मतलब मैं जो पहले विथ 50 दी थी उसकी वजह से जो था ये श्रिंक हो गया था एकदम। अगर मैं देख के दिखाऊँ आपको तो 50 तो ये ऐसे आ रहे थे जो मुझे नीचे था, तो मैंने इसको हाइट दे दी और विथ दे दी जिससे ये बिल्कुल ठीक आने लगा। तो यही प्रोजेक्ट मैंने बना लिया जो आपको मैंने बोला था और इसके अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये सेम टू सेम। तो देखिए गाइस मैंने बना दिया पूरा का पूरा आपके लिए वापस, और पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे बना है और इसके अंदर पूरी सेम टू सेम वैसे ही है जैसा ये इसमें था। तो मैं इसे GitHub पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसको होस्ट भी कर दूँगा, मतलब डिप्लॉय कर दूँगा मैं इसको किसी सर्विस पे, मतलब नेटलिफी, हीरोकू या फिर किसी और सर्वर पे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो आपको अगर ये इमेजेस चाहिए हो तो ये आप मेरे GitHub से उठा सकते हैं, मैं इसे GitHub पे डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया। सो ये बिल्ड कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।